हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विथ रोशन कुमार। मैं आज क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ जिसका नाम है मोशन। तो आज हम मोशन के बारे में समझेंगे। तो मोशन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज नोन एज मोशन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से, उसी को मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट ए पर है, वो बी पर आया। यहाँ पर क्लास 9th है जो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़ा देर पहले ये ऑब्जेक्ट ए पर था, अब बी पर आ गया, तो इसको क्या लगा कि ये ऑब्जेक्ट है मोशन में, इसी को हम लोग मोशन कहते हैं। सेकेंड है डिस्टेंस किसे कहते हैं? द डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। डिस्टेंस ना एक्चुअल पाथ कवर किया जाता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में ना, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास सिर्फ वैल्यू होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट ना एक सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में। इसको ये नहीं मतलब है कि आप कितना दूर ट्रेवल किए, इसको ये मतलब है कि आप अपना फाइनल और इनिशियल पोजिशन बतला दीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट खुद निकल जाएगी, स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए वो दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, आपको हम एक एग्जाम्पल लेके बतला रहे, कोई माउंटेन है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया माउंटेन का, तो इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो जितना ये पाथ है, ये पूरा पाथ, ये हो गया इसका डिस्टेंस। वही हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ए है, और फाइनल पोजीशन कहाँ है, बी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन पाथ बना देनी है, ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। इसको ये नहीं मतलब है कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए या कितना पाथ ट्रेवल किए, ये स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजिशन में। उसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिस्प्लेसमेंट ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास बोथ वैल्यू और डायरेक्शन दोनों होता है। इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव जीरो, ये पॉजिटिव निगेटिव जीरो दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिखा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी पर आया, तो इसका डिस्टेंस तो ए बी हो जाएगी, इतना तो सबको मालूम है। डिस्प्लेसमेंट भी अभी ए बी होगी, तो अभी क्या डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव हो रहा है, मतलब डी पॉजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट देखें, एक कोई ऑब्जेक्ट ए से बी आया और बी से फिर ए आ गया, तो इसका फाइनल इनिशियल पॉइंट ए पर ही हो रही है, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी माइनस ए बी, ए बी माइनस ए बी, इसका जीरो हो जाएगा, क्या कि फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों ए बी पर हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से स्कूल गए और स्कूल से फिर घर आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, बट आपका डिस्टेंस क्या हो गया, आपके घर से लेकर स्कूल तक जितना डिस्टेंस है और फिर स्कूल से घर तक दोनों को जोड़ दिया, तो आपका डिस्टेंस निकल गया, मतलब डिस्टेंस डबल हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। और एक तीसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा है जिसमें निगेटिव होती है, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी गई और फिर बी से ए आई और ए से सी चली गई, तो यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन यहाँ पर सी पर और इनिशियल पोजीशन ए पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। स्पीड किसे कहते थे? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब स्पीड निकालने के लिए हमको डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, स्पीड निकल जाती है, इसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर ना स्पीड को वी से डोनेटेड किया जाता है मोशन में, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि स्पीड से हम लोग एस से डोनेट कर देते, लेकिन अभी मोशन चैप्टर इसलिए हम अब से स्पीड को हम वी से डोनेट करेंगे और डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से ही डोनेट किया जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं रहता है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता है, एक जीरो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए।
वेलोसिटी को भी वी से डिनोट किया जाता है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ना जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको टाइम से जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा तो वेलोसिटी आपका निकल जाएगी। तो वी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को भी एक्स से एस से डिनोटेड किया जाता है, तो एस बाय टाइम टी। इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव होती है। पिछले स्लाइड में हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट कब निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है और जीरो होती है। नेक्स्ट है एक्सीलेशन। तो एक्सीलेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सीलेशन कहते हैं। वेलोसिटी ना टाइम के अनुसार से चेंज होता है उसी को एक्सीलेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है 1/T। तो एक्सीलेशन का फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ चेंज, तो चेंज को डेल्टा वी से डिनोट करेंगे बाय टी। तो यहाँ से हो जाएगी डेल्टा वी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। फाइनल वेलोसिटी को वी से डिनोटेड किया जाता है और इनिशियल वेलोसिटी को यू से और टाइम को टी से। तो यहाँ से एक्सीलेशन का फॉर्मूला हो गया वी माइनस यू बाई टी। इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मीटर पर सेकेंड कैसे हुई? तो एक्सीलेशन होता है वी माइनस यू बाई टी। तो चेंज इन वेलोसिटी इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड बाई टाइम एस। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन और वैल्यू दोनों होता है। मोशन आर टू टाइप, मोशन दो प्रकार के होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन एगो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में ना वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। 50 के स्पीड से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कभी हम लोग 50 के स्पीड जा रहे, कभी 60 के हो जा रहे, कभी 40 के हो जा रहे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गई। तो मोशन इन बीच वेलोसिटी बोथ डायरेक्शन और वैल्यू इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो टाइम के रिस्पेक्ट से उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन द मोशन इन बीच वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज ईच एंड एवरी टाइम। ऐसा मोशन जिसमें ना वेलोसिटी बॉडी का चेंज हो जाए जिस टाइम के रिस्पेक्ट से उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो प्रकार के होता है, एक होता है यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन, मतलब जिसका एक्सीलेशन हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आती है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन ए कांस्टेंट रहता है, एक्सीलेशन कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में। फॉर एग्जांपल जब टी 2 सेकेंड था तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 4 सेकेंड हुआ तो वो 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 6 मीटर हुआ तो 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो ये टाइम में चेंजिंग दो, ये भी दो, और यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंजिंग मतलब वेलोसिटी में भी 2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ से एक्सीलेशन इसका कांस्टेंट रहेगा। दिखा देते हैं आपको एक्सीलेशन कांस्टेंट है कि नहीं। एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी 4 माइनस 2 भाई यहाँ से 4 2 टाइम है टी 2 लगा, तो यहाँ से हो गया 2 में से 2 गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर नेक्स्ट के लिए ले लिया, 4 और 6 के लिए रहा, तो 4 एक्सीलेशन हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और टाइम 6 में से 4 गया तो 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सीलेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सीलेशन कांस्टेंट नहीं है, अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज हो इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल, उसी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन कहते हैं। जैसे 1 सेकेंड में उसका स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट जब 3 सेकेंड हुई तो उसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, वही 6 सेकेंड हुई तो उसका स्पीड हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, एक्सीलेशन कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल पहला केस ले रहा है तो फाइनल ये है तो 5 में से 4 गया बाय टाइम कितना हो गया 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ से हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड एक्सीलेशन हो गया पहला केस में। दूसरा केस में निकाल रहे 2 और 6 का, तो यहाँ से हो जाएगी 8 माइनस 5 बाई 3, 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगी,
यहाँ से हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सीलेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन का इक्वेशन बतलाइए। तो यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड मोशन का 3 इक्वेशन होता है। ये 3 इक्वेशन को प्रूव करने के लिए स्कूल एग्जाम में रहती है हमेशा, क्लास 9 के लिए 5 या 4 नंबर में। तो इसको प्रूफ हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स प्लस न्यूमेरिकल बनाने के इजी मेथड बतलाएंगे। तो आज सिर्फ इक्वेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v = u + at। पहला इक्वेशन होता है v = u + at। इसका प्रूफ करना बहुत ईजी, आप लोग ज़्यादा सोचिए नहीं, आज सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए। सेकेंड इक्वेशन होता है s = ut + ½at² एंड थर्ड इक्वेशन होता है v² = u² + 2as। तो इसमें ना आप v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलेशन, t मतलब टाइम, s मतलब डिस्टेंस, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम, a मतलब एक्सीलेशन और t मतलब टाइम। भी ये सब बतला दिए, सब का सिंबल बतला दिए, किसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को s से डोनेट करेंगे बाई t, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और एक और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v + u, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। ये नया एक फॉर्मूला आता है, इसका जरूरी पड़ेगा फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन कुमार, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।